हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल तेजस गियर। आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और ब्लॉग बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाऊंगा जो टू स्ट्रोक का बहुत बड़ा लवर है और उसके पास टू स्ट्रोक का लेजेंडरी बाइक सब है। बहुत ज़्यादा बाइक तो नहीं है, लेकिन क्या क्या है मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त के पास जिसका नाम है इम्तियाज भाई। उनके पास टू स्ट्रोक का लेजेंड बाइक सब है। हम लगभग इम्तियाज भाई के घर की ओर पहुंच ही रहे हैं। अब ये पेट्रोल पंप इलाका है, इम्तियाज भाई मेरे से यहीं पे मिलेंगे, तो यहाँ से वो मुझे पिक करने वाले हैं क्योंकि मुझे उनका घर का एड्रेस पता नहीं है। वो देखिए इम्तियाज भाई, वो देखिए उनका आरएक्स, देखिए एकदम टनाटन। और भाई ठीक है, चलो चलते हैं। वाओ, साउंड देखिए, वो देखिए उनका पिकअप, देखिए स्टाइल, देखिए स्टाइल, वो देखिए, लेट्स गो। उनका ये RX 100 है और मेरा RX 135 है। ये लीजिए, हम अब भाई के घर पहुंच गए हैं। गाड़ी बंद कर देते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं इम्तियाज भाई के यहाँ। ये है इम्तियाज भाई, इनका भी अपना चैनल है। चैनल का नाम है टू स्ट्रोक राइडर। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक सबसे पहले डाल दूंगा, टू स्ट्रोक राइडर बोल के, और लिंक साथ में रहेगा। आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास बस RX 135 है। ये बहुत बड़े टू स्ट्रोक लवर है। इनके पास RX 100 है, 135 भी था, वो अभी नहीं है, लेकिन इनके पास तीन लेजेंड बाइक है। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इनके पास राजदूत है, इनके पास SD 250 क्लासिक भी है। तो भाई ने मतलब कलेक्शन अच्छा कर रखा है। तो ये है वो 100 RX 100, इसमें वो गए थे मुझे लेने के लिए। मैं पहले आपको इसके बारे में भी दिखा देता हूँ, हालांकि आप ये देख ही चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत खास हो रहा है, और कुछ मिस कर जाएंगे तो आपको वीडियो पूरा समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी पूरा फुल रिस्टोर्ड है। ये RX 100 है और इसी पे भाई ने हमें लेने गए थे, और अपना वाला तो आप देख ही चुके हैं। भाई इसको थोड़ा स्टार्ट करके दिखा दो, साउंड तो इसका सुन ही चुके हैं, लेकिन एक बार और आप लोगों के लिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। वो देखिए क्या ज़बरदस्त स्टार्ट हो रहा है। इस साउंड से अच्छा और कोई साउंड नहीं होता है एक बाइकर के लिए, खासकर जो बाइकर, अगर दी बाइकर टू स्ट्रोक लवर है तो इस म्यूज़िक को वो हमेशा पसंद करेगा, और टू स्ट्रोक लवर के लिए ये म्यूज़िक बहुत ही खास होता है। तो ये हो गया हमारा यामाहा RX 100। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो इनके पास एक और टू स्ट्रोक है, और वो है ये है राजदूत। ये कब का मॉडल है भाई? 90 मॉडल का है। ये देखिए भाई इसको स्टार्ट कर रहा है। ये जितने भी बाइक्स इनके पास है
वो देखे। ओ तेरी, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। क्या आवाज है, क्या आवाज है, जबरदस्त एकदम। एक्चुअली ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ था तो उस वजह से थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये रनिंग गाड़ी है भाई, इसको रोड पे लेके निकलते भी है। तो ये हो गया राजदूत आपका, ये 1990 मॉडल है और ये विंटेज बाइक का एक सेगमेंट का बाप है। ये 175 सीसी का है। एक टाइम पे ये राजदूत बाइक उनके पास हुआ करता था जो जमींदार टाइप हुआ करते थे, क्योंकि ये उस टाइम का रॉयल एनफील्ड के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो ये बुलेट टाइप है। और ये इनके फादर का है ना, फादर का है। तो ये हो गया राजदूत। और आखिर में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट है, हालांकि मैंने आप लोगों को नाम पहले ही बता चुका हूँ, तो चलिए अब वो ब्लास्ट को देखते हैं। ये टू स्ट्रोक का बाप है, ये है वो लेजेंड, लिविंग लेजेंड, इसको तो लिविंग लेजेंड ही बोलेंगे। ये 83 मॉडल है, क्लासिक 250 क्लासिक, D250 क्लासिक। ये देखिए D250 क्लासिक, ये SD का। इसको देख के तो वो जैकी श्रॉफ का जो हीरो मूवी है वो याद आ जाता है। और इसका इसका जो मैजिक है, मैजिक आपको दिखाएंगे। ये जो किक लीवर है ये बहुतों को पता नहीं है, बहुतों को पता नहीं है। जिनको पता है उनके बारे में ये नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो जिनको ये पता नहीं है। ये एक ही लीवर से आप गियर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसी से आपका किक होगा। तो इसको पुश करके रिवर्स करके किक मारना पड़ता है। भाई थोड़ा करके दिखाओ, वो देखिए पुश करने से थोड़ा सा उधर कीजिएगा वो उसका आपका अब वो किक के लिए रेडी है। अब इसको किक करेंगे, यहाँ से किक करेंगे। एक मिनट, एक और मैजिक है। मैजिक क्या, एक और यूनिक चीज़ है, वो तो एक यूनिक हो ही गया। एक और यूनिक चीज़ है, वो है ये जो है, ये जो केबल आ रहा है ये स्पीडोमीटर का केबल है। और ये हम लोगों का अभी का बाइक में क्या होता है, ये व्हील पे, फ्रंट व्हील पे लगा रहता है, लेकिन इसका स्पीडोमीटर यहाँ से काउंट होता है इंजन से। तो ये एक इसमें यूनिक चीज़ है। अब इसको हम करेंगे स्टार्ट, इसको थोड़ा पंप करना भी पड़ता है। ये देखिए अब ये बन गया गियर, और ये चार गियर का है, चार गियर है ना, चार गियर, ये चार गियर है, एक ऊपर तीन नीचे, तो ये चार गियर है। ये देखिए मैं आप लोगों को इसका वो देखिए, भाई अभी चलाएंगे थोड़ा सा, वो देखिए एक ऊपर, वो देखिए क्या दमदार गाड़ी है बॉस, जबरदस्त चलती है, जबरदस्त एकदम जबरदस्त, खतरनाक गाड़ी है, खतरनाक। वो देखिए एकदम जबरदस्त गाड़ी है, पावर एकदम खतरनाक पावर है। ये मजा जो इसमें मिलना है ये आपको आजकल के जो रॉयल एनफील्ड बाइक्स आते हैं उसमें भी ये मजा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टू स्ट्रोक का पावर अलग होता है और फोर स्ट्रोक का पावर बिल्कुल अलग होता है। साउंड देखिए इसका, ये देखिए एक ही हेड है, पिस्टन एक ही है, वन सिलेंडर बाइक है, लेकिन SD का खासियत क्या है, ये दो दो साइलेंसर प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, इसका थोड़ा पावर एक्स्ट्रा हो जाता है। ये साउंड देखिए जबरदस्त जबरदस्त एकदम जबरदस्त। तो ये था इम्तियाज भाई का कलेक्शन टू स्ट्रोक का। ये राजदूत है, ये SD है, और ये RX 100 है, और वो अपना RX 135 जो कि मेरा है। तो आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को एक एक करके सब कुछ दिखा दिया। और भाई का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो हम लोग स्ट्रोकर राइडर, हाँ टू स्ट्रोकर राइडर,
भाई का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। हम लोग अब वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, आज का वीडियो यहीं तक का था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।